एफएम के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एफएम के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिंडरबॉक्स लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप लोन कैसे यहाँ पर ले सकते, रिव्यू मैं आपको दूंगा, इस एप्लीकेशन का रिव्यू भी आपको बता दूंगा किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको टिंडरबॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो टिंडरबॉक्स लोन एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन हो जाती है। सिंपली आपको यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट करते चले जाना, इंस्टेंट अप्रूवल के साथ लोन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई देती है। ये एप्लीकेशन का काला सच है तो इसको आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है और एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद दोस्तों ये आपसे सभी परमिशन मांगता है, कॉन्टेक्ट की, यहाँ पर डाटा की, ये सभी इंफॉर्मेशन मांगता है। तो आपको सोच समझ के यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है। जैसे एग्री कर देते, एग्री करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाती है और यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो दिखाई देगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, ये सभी चीज़ें दिखाई देती है। तो गेट माई लिमिट पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जो रजिस्टर सक्सेसफुल आपका होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप गेट माई लिमिट पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये सभी टिक मार्क कर लेना है, टिक मार्क करके एग्री करना है। एग्री आप जैसी कर देते उसके बाद दोस्तों ये परमिशन अलाउ करना है। अलाउ आप करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पेन कार्ड इंफॉर्मेशन, पेन कार्ड की फ़ोटो, आपका फ़ोटो डाल देना है, आईडी इंफॉर्मेशन डाल देना है, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और आपका लोन रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद आपको लोन इंस्टेंटली मिल जाता है। पेमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की साइड में कस्टमर केयर का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जो है रजिस्टर देख सकते हैं, बैंक कार्ड, ये सभी चीज़ें, कस्टमर सर्विस, और ये आपको मिल जाता है। और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन जो है दोस्तों इसमें रियल लाइफ के प्ले स्टोर में इस एप्लीकेशन के रिव्यू आप पढ़ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है। तो ये है एप्लीकेशन दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया।